हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। सो गाइस, कैसे हैं? होप अच्छे होंगे। और बे बंद कीजिए ना। तो गाइस, आज है संडे, और संडे मतलब जो संडे का फास्ट है वो आज मैं रखी हूँ, मतलब आज पूजा वूजा होगा। तो बस वही, आप यूँ ही हमारे ब्लॉग पे गाइस बने रहे। और मैं अभी नहा करके रेडी होकर के आ गई हूँ। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ, और ये देखो मैं बैंगल्स पहन रही हूँ जो मेरी मम्मी दी थी। तो अब जा रही हूँ मैं, पूजा वूजा कर लेती हूँ थोड़ा भगवान जी का और सूर्य भगवान का। उसके बाद क्या क्या होगा पूजा है मैं आप लोगों के साथ सारा शेयर करूँगी गाइज। तो ये हमारे ब्लॉग पे आप लोग बने रहे गाइज। तो बस मैं सुबह का जो भी रूम का पूजा होता है, तो मैं सोची चलो पहले भगवान जी को पोछ उछ लेती हूँ, फिर ऊपर जाऊँगी पूजा करने गाइज। तो मैं ऊपर का आप लोग के साथ रिकॉर्ड नहीं की हूँ कुछ भी। तो बस यहाँ पर हम पूजा वूजा कर लिए, और करने के बाद बस वही मम्मी जी और भाभी यहाँ पे खरना कर रही हैं। तो दो थाल ली हैं, दो थाल में मतलब ये लोग अपना यहाँ पे दो थाल में खाना निकालेंगी। तो बस वही मैं भी आ गई हूँ, और मैं आके बस वही कुछ बात हो रही थी, बगल में एक और भाभी है उन्हीं से बातें कर रही करने लगी। तो फिर यहाँ पे कटोरी में मम्मी जी मेरे लिए निकाल रही है। मैं यहाँ पे कोई खरना नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ नमक जो होता है ना छोड़ती हूँ, बस वही मैं कर रही हूँ। और वही आज है रविवार, तो मम्मी जी और भाभी ये दोनों मतलब वो खरना कर रही है, न्यूज काट रही हैं। तो वही मतलब कुछ ऐसा बात हुआ था जो हंसी आ गई थी, तो बस यहाँ पे निकाल रही है तीनों कटोरी में, और मतलब दो थाल में दोनों अपने लिए निकाली है, एक कटोरी में मेरे लिए है, जो कि मैं चाहूँ तो मैं हमेशा मतलब दो तीन बार भी खा सकती हूँ बिना नमक के, बट यहाँ पर मम्मी और भाभी ये दोनों नहीं खाएँगी, एक ही बार खाएँगी ये लोग। तो इसी में से ये दोनों न्यूज़ दे रही हैं, मतलब न्यूज़ निकाल रही हैं। तो बस वही चूड़ा है, और वही चूड़े को अच्छे से मतलब धो ये फुला उला करके जैसे होते हैं वैसे मतलब वही कर रही हैं। और मतलब यहाँ पे अगर आप चाहो तो मतलब आप क्या मतलब हम लोग अगर चाहते तो खीर पूरी से भी कर सकते थे, बट मतलब खीर पूरी बनाने में जो है ना थोड़ा बहुत झंझट हो जाता है, तो बस उसी लिए मतलब चूड़ा से अन्न से ही न्योज काढ़ा गया। मतलब फलाहार नहीं है, यहाँ पर अन्न है, तो चूड़ा भी तो अन्न है ना, तो इसलिए चूड़ा से मतलब न्योज काढ़ा जा रहा है। तो वही केले के पत्ते पे न्योज काढ़ रही हैं। तो यहाँ पे आप लोग को तीन पत्ते दिख रहे होंगे, तो एक पत्ता जो है मतलब एक जो गाय माता उनके लिए निकाला जाता है, और दो पत्ते पे निकाला जाता है जो कि जिनके पुत्र होते हैं वही ये न्यूज़ खाते हैं, मतलब लड़कियां नहीं खाती है, इतना तो मैं भी जानती हूँ क्योंकि मेरी भी मम्मी निकालती थी, तो हम लोग नहीं खाते थे, मेरा भाई खाता था। तो बस यहाँ पे गुड़ है, और मतलब गुड़ रख रही हैं, और केले, और आपको ये दिख रहे होंगे ग्रीन ग्रीन ये पत्ते, ये तुलसी के पत्ते हैं। तो बस वही दो दो केला मतलब जो जितना खाएँगी उतना, और दो बेटे मतलब मम्मी जी के दो बेटे हैं भैया, और मतलब ये तो मम्मी जी दो रखी हैं, भाभी एक है उनका मतलब मेरे जाओ तो एक है, तो बस एक रखी हैं। तो वही न्यूज़ दे रही हैं, और बस वही न्यूज़ देने के बाद वही जो कितना खाएंगे दो दो रख रही हैं। उसके बाद फिर मतलब चूड़ा उड़ा अब हाँ, और आपको ये दिख रहे होंगे वो मट्टी टाइप का गोल गोल, तो ये छठ पूजा में जो है ना वो मतलब उसमें हुमाद हुआ था, वो खरना मम्मी जी की थी, तो आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो में हमारा जाकर के छठ वाला वीडियो में, जो भी नए व्यूअर्स हैं हमारे। तो बस वही मम्मी जी इसमें हुमाद करेंगी, और वही गुड़ तुलसी पत्ता केले सभी रख दिए हैं, मतलब अपना अपना न्यूज़ जो है वो निकाल दिए हैं, और अब मम्मी जी निकालने जा रही हैं, मतलब भाभी निकाल रही हैं, मम्मी जी निकाल रही हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी बड़ी सासू माँ आई मीन चाची जी जो है वो और भाभी ये भी दोनों अपना निकाल रही हैं। तो यहाँ पर भी चाची जी दो निकाली हैं, और फिर इसमें दूध डाल करके दूध डाल रही हैं, मतलब चूड़ा दूध और मीठा मतलब गुड़ सभी, और केले मतलब इतने सारे के साथ साथ मतलब यहाँ पे वही खाया जाएगा और न्यूज़ निकाला जाएगा। और हाँ, ये खाने के बाद फिर छोड़ा जाएगा प्रसाद के रूप में, सो मतलब हमारी बेटियाँ लोग होंगी वो खाएंगी।
तो वही फूल मतलब चढ़ाया जा रहा है। फूल है ये जटधारी का फूल है, आप लोग जानते होंगे। ये हम लोग बचपन में मतलब दादी घर जाते थे तो बहुत ही बड़ा बड़ा फूल रहता था और इससे हम लोग पता है गाइस, इससे हम लोग खेलते थे। तो चलो छोड़ो कहाँ की बात, मैं कहाँ ले आई, मतलब बचपन की बात याद आ गई ये फूल देख करके। वॉल्वेट की तरह ये फूल होते हैं और हम लोग इससे खूब खेलते थे, मस्ती करते थे फूल से। तो बस वही कपूर इसमें डाल दी हैं और फिर हुमाद करेंगी। तो वही कपूर डाल करके यहाँ हुमाद मतलब हुमाद करने के लिए निकाली हैं। तो मैं तो सिर्फ फास्टिंग कर रही हूँ, रविवार नमक छोड़ रही हूँ। तो मैं सूर्य भगवान को जल दे करके और हुमाद वगैरह मैं कर ली थी, तो बस मेरा पूजा हो गया था। और यहाँ पे मतलब ये लोग न्यूज़ दे रही हैं, तो वही न्यूज़ का मतलब ये हुमाद वुमाद कर रही हैं, तो बस वही यहाँ पे कर रही हैं। बस अब मम्मी जी भी यहाँ पे न्यूज़ निकाल दी है और ये जो मम्मी जी न्यूज़ निकाल रही हैं फिर ये गाँव माता के लिए, जो कि मैं आप लोगों को बताई थी, तो ये गाँव माता के लिए निकाल रही हैं। तो उसमें से भाभी भी अपना रख रही हैं अपने न्यूज़ से। तो दोनों बस ये क्या करेंगी ना, सुबह में हमारा मतलब दूध जहाँ से आता है वहाँ ये लोग जाएंगे दूध लाने, तो दे देंगे गाय माता खाएंगे। और फिर मैं प्रणाम कर रही हूँ, पूजा हो गया तो मम्मी जी बोली प्रणाम कर लेने के लिए, तो बस मैं इनको दे दी गौर करने के लिए और मैं यहाँ पे प्रणाम कर ले रही हूँ। और बस वही प्रणाम उणाम करने के बाद सभी बड़े जो भी है हमारे मतलब जैसे भाभी लोग हो गई और मतलब मम्मी जी चाची जी ये सबको प्रणाम उणाम करके फिर मैं भी यहाँ पे खा लूँगी गाइज। तो इस तरह से हमारा ये रविवार का पूजा हुआ गाइज, ये संपन्न हो गया। तो गाइज अभी मतलब हम लोग खाना वाना खा लिए हैं, खाना मतलब वही फास्टिंग में जो होता है जो न्यूज पे चढ़ा है बस वही खाना वाना खा लिए हैं। और खा करके देखिए बाबू को, आज मैं बाबू को भी मतलब हेयर वाश की हूँ, काफ़ी खूबसूरत लग रही है ना ये देखिए, बहुत दिनों के बाद की हूँ। एक्चुअली क्या था ना, जो ठंड थे तो इस कारण इसका तबीयत भी कुछ ठीक नहीं था, तो मैं हेयर वाश नहीं की थी और ये नानी के घर में जो की थी बस वही किए कि आज की हूँ। तो देखिए बाबू को मैं मतलब हेयर वाश कर देती हूँ तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है ना बेटा। तो बस वही पूजा वूजा हो गया है। और हमारे यहाँ ससुराल में इस तरह से होते हैं, आप लोग यहाँ कैसे होते हैं गाइज आप लोग बताना। मेरी मम्मी तो करती है मतलब मेरी मम्मी हमारी मायके में भी कुछ अलग तरीके से होता है। तो बस आप लोग बताना आप लोग यहाँ कैसे होता है गाइज। जब भी मैं मायके अगर कभी जाऊँगी तो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ वहाँ का भी। और मुझे भी सर्दी भी लग रही है, अंदर से खराश भी गले में लग रहे हैं। और आप लोग देख रहे हो ये साड़ी, तो ये साड़ी मैं पहनी थी जब दुर्गा जी का पूजा हुआ था। तो आप लोगों ने देखा होगा वो ब्लॉग, अगर नहीं देखा है जो भी नए हैं तो आप लोग जाकर के देख सकते हो। तो मैं उसी टाइम ये साड़ी चढ़ाई हुई थी, तो बस वही उसी टाइम मैं पहनी थी। तो इस पर का ये ब्लाउज नहीं है गाइज, मैं सिलने के लिए दी हुई हूँ तो अभी तक सिला करके आया नहीं है। जब भी आएगा तो मैं उसका भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो किस तरह से मतलब वो मैं सिलवा रही हूँ। तो बस वही साड़ी मैं आज पहन ली हूँ और मैं अपना बैंगल्स भी चेंज कर ली हूँ। उस मॉर्निंग में आप लोग देखते होंगे कुछ और पहनी थी, तो बस वही लहठी में पहनी हुई थी, तो वो पहन के मैं पूजा वूजा कर ली। और ये जो है चूड़ी है, तो ये चूड़ी है मतलब ये चूड़ी भाभी चढ़ाई हुई थी दुर्गा जी पे, तो बस मुझे दी थी तो मैं सोची चलो यही मैं पहन लेती हूँ, तो आज मैं ये पहन ली। और फिर तो चलते हैं, बस बाबू को थोड़ा सा मतलब आज सोई भी नहीं है
तो मैं सोची चलो अब तो 4 बज गए हैं, पूजा वूजा होते होते 4 बज गए हैं, तो बस वही कपड़ा वपड़ा थोड़ा सा फोल्ड करना है, जा रही हूँ फोल्ड कर लूँगी। इसके बाद देखती हूँ, क्योंकि अभी तो वो सोएगी नहीं, और सोएगी तो फिर रात को जगेगी, तो इसलिए मैं छोड़ दी हूँ, मतलब मैं इसे खेलने देती हूँ। बने रहे गाइस जो हमारे ब्लॉग पे, मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में।